तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा द मास्क मूवी के बारे में, जो 1994 में आई थी। हाँ, बहुत पुरानी है, बट उससे फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि मूवी झकास है। ये मूवी जब अब रिलीज हुई थी उस टाइम की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने वाली मूवी बनी थी सुपरमैन मूवी के बाद। और इस मूवी के अंदर मेन रोल में नजर आने वाले जिम कैरी सर, इनके इस मूवी के बाद तो भाई साहब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने इसमें परफॉर्मेंस दी थी आउटस्टैंडिंग थी। अब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक लकड़ी का मास्क है, जैसे इसे कोई पहनेगा उसके पास लिमिटलेस पावर आ जाएंगी और बहुत ज्यादा वो शरारती बन जाएगा। इस मास्क को पहनने वाला इंसान के बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। अगर वो अच्छा है तो ये मास्क जो पहनने वाला इंसान है वो अच्छा बनेगा और वो लोगों की मदद करनी भी शुरू करेगा, लेकिन वो अच्छे वे में तो करेगा, लेकिन भाई साहब वो शरारत भी करेगा। ये गुंडों को सजा देने की बजाय उनसे ज्यादातर वो मजे ही लेगा। पता है वो मजे क्यों लेगा, वो शरारत क्यों करेगा? क्योंकि इस मास्क को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शरारतों का देवता लोकी है। अब आते हैं स्टैनली के ऊपर, जो एक आम इंसान है जिसे प्ले किया जिम कैरी सर ने, एक बैंक में जॉब करता है। और इस इंसान ने अपनी बहुत सारी बातें, जैसे किसी को कुछ कहना है कुछ करना है, वो सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखे। इसके पास एक कुत्ता है और ये ज्यादातर कार्टून देखता है। इस तरीके से इसका जो बिहेवियर आप देखोगे तो बच्चों जैसा है। पर इसके पास ये कुत्ते के अलावा और कोई दोस्त नहीं है, सभी इसके मजे लेते हैं और ये बहुत ज्यादा मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा है कोई महिला मई तरह इसकी दोस्त बने। और स्टैनली को पसंद भी कौन आता है, एक गैंगस्टर की जेब। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। स्टैनली को ये मास्क मिलता है, कहां मिलता है, कैसे मिलता है? देखो यार ये सारी चीजें तो मैं इसमें नहीं बता सकता ना, कुछ चीजें तो मूवी के लिए छोड़ दो यार। और स्टैनली जब इस मास्क को पहनता है तो इसके अंदर का सोया हुआ अच्छा शैतान जाग जाता है, जो बहुत कुछ करना चाहता था और इसके पास पावर आती है तो बहुत कुछ करने भी शुरू करता है। भाई साहब बैंक लूटने लग जाता है और बहुत सारी चीजों को मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाता है जो एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। मास्क पहनने के बाद स्टैनली के पास ऐसी पावर आती है कि जितनी भी चीजें इसके आसपास है वो उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है, कार्टून बना सकता है, कुछ भी वो बना सकता है और ये मरेगा नहीं क्योंकि इसने मास्क पहन रखा है, इसके पास पावर है। लेकिन इस मास्क के भी कुछ कमियां है। और इधर जो गैंगस्टर डोरियन, शायद मैंने उसका नाम सही से लिया, वो इस मास्क को पाना चाहता है और स्टैनली ये मास्क पहनकर उसकी जीएफ को पाना चाहता है। खैर क्या होता है वो तो चीजें आप लोगों को तभी पता चलेंगी जब आप ये मूवी देखेंगे। पूरी की पूरी मूवी जो है वो कॉमेडी से भरी पड़ी है, इमोशनल नाम का इसमें कोई भी सीन नहीं है। और सच कहूं स्टैनली का जो कुत्ता है ना वो बहुत ज्यादा तेज है यार। और इस मूवी में आप सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे जिम कैरी सर की जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, बहुत कमाल है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। क्योंकि यार जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है इस मूवी के अंदर, मतलब जैसे इनका करेक्टर है, जिस करेक्टर की डिमांड होती है, एक शरारत से भरा करेक्टर जो कुछ भी नहीं सोचता, बस अपने मन में आए वो कर देते हैं। उनका बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल मतलब एकदम डिफरेंट होता है मास्क पहनने से पहले और हरी खोपड़ी होने के बाद। ये मूवी 1994 में है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को ओल्ड फीलिंग लगे, लेकिन इसमें जैसी कॉमेडी है, जैसी स्टोरी है, जैसी परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें आपको वो चीजें महसूस होने भी देंगी। और ये मूवी देखने के बाद आप बेशक इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, और इसका सेकंड पार्ट भी है, ऐसा नहीं है, वो सन ऑफ द मास्क नाम से आया हुआ है, 2005 में आया था, लेकिन भाई साहब वो मूवी फ्लॉप गई थी। उसका रीजन मुझे यही लगता है कि इसके जो इसका सेकंड पार्ट था, या फिर कहूं सन ऑफ द मास्क जो 2005 में आई थी, उस मूवी के अंदर जिम कैरी सर नहीं थे। और ये द मास्क जो मूवी है जो 1994 में आई थी, ये अडेप्टेशन थी द मास्क, एक एनिमेटेड सीरीज आया करती थी उसकी। और आप जब ये एनिमेटेड सीरीज आपने देखी है और आप अगर 1994 में जो आई मूवी देखोगे तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाओगे, जो करेक्टर प्ले किया गया है द मास्क का जिम कैरी सर के द्वारा और जो कार्टून में या फिर कहीं एनिमेटेड सीरीज में आया करता था उसमें, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत सारी पावर जैसी वो यूज करता था। बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे आप इस मूवी को। और मुझे हैरानी इस बात की कि 1994 में आई इस मूवी का अब तक कोई भी दोबारा से नया वर्जन हमारे सामने नहीं आया, जबकि इसमें बहुत ज्यादा पावर है, मतलब कहें कि एंटरटेन करने की लोगों को, मतलब भी इसके ऊपर कोई वर्क हमें देखने को नहीं मिला है। मे बी आने वाले टाइम में शायद हमें इसके ऊपर कोई नया काम देखने को मिल जाए, उम्मीद तो यही करते हैं। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगती है। अगर आप लोगों ने इसका एनिमेटेड सीरीज भी देखी है तो बताना कि आप लोग तब मतलब कौन सी क्लास में हुआ करते थे, बहुत छोटे थे यार, तब बहुत टाइम पहले की बात है। और जिन्होंने नहीं देखी है तो एक बार जरूर रिकमेंडेड करूंगा, अगर जाके देखें, इसके अंदर कोई भी वल्गर सीन तो नहीं है लास्ट वाले सीन को छोड़कर। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।